हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ठीक है, मुझे डराना बंद करो अभी। देखो अब बस बहुत हुआ, हाँ मेरे सामने आते हो या नहीं। रघु, रणदीप, जूही, हमें गायत्री को इस तरह से अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। जाने देना यार, अभी जब डर लगेगा ना उसे तो देखना कैसे उल्टे पांव वापस आती है दौड़ती भी। यहाँ सिग्नल भी नहीं मिल रहा है। तो आत्मा भी गायत्री से डर के भाग जाएगी। आत्मा की नहीं, ये तो गायत्री की आवाज लग रही है। तुमने फोन किया था? हाँ सर। बताओ कहाँ गायब हो गई तुम्हारी दोस्त? वो उस तरफ से। चलो देखो। ये गायत्री तुम लोगों से अलग कैसे हो गई? कुछ नहीं सर, मजाक मजाक में तू तू मैं हो गई और वो अकेली चली गई सर। हाँ सर, वो थोड़ी सिरफिरी और घमंडी है, उसका ईगो हट हो जाए तो वो किसी भी हद तक जा सकती है। और तुम लोगों ने उसे इतनी रात गए अकेले जाने भी दिया? सर, मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी मगर उसने मेरी बात मानी ही नहीं। आप लोगों को पिकनिक मनाने के लिए और कोई जगह नहीं मिली? इतने घने जंगल में आ गए आप लोग हैं? सर हमने तो सोचा था एडवेंचर करेंगे, लेकिन सर हमको क्या पता कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। सर, वो यहीं से हमसे अलग हुई थी सर। यहीं से? हाँ? यहीं से अलग हुई? अच्छा, गायत्री की चीख किस तरफ से आई थी? सर उधर से आई थी, उधर से आई थी चीख। चलो सर, आप लोगों के आने से पहले हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी लेकिन हमें वो नहीं मिली। सर लॉकेट। किसका लॉकेट है ये? सर ये तो गायत्री का लॉकेट है। गायत्री का लॉकेट है, मतलब जो कुछ भी हुआ है यहीं पर हुआ है गायत्री के साथ। अगर गायत्री को कुछ हो गया तो घर वाले बहुत डांटेंगे। घबरा मत, मिल जाएगी गायत्री।
सर। ये देखिए, यहाँ कुछ सिक्के गिरे हुए हैं। सिक्के? लगता है यहीं पे गायत्री पे हमला हुआ था। ये सिक्के शायद गायत्री के होंगे या फिर इस खूनी के। सर, सिक्के तो यहाँ भी पड़े। इसी तरफ देखते हैं। यहां भी है सर। इसका मतलब है दया, जो कुछ भी हुआ है इस तरफ हुआ है, इस तरफ। ये क्या है निखिल? सर, जरा पेड़ पर चढ़ो। सर, और उतारो से। सर, ये किसी के पैंट का बक्कल है सर। पैंट का बक्कल? सर, ये तो गायत्री के पैंट का बक्कल है। क्या? लेकिन गायत्री पेड़ पर क्यों चढ़ी? शायद उस हमलावर से बचने के लिए। मतलब गायत्री को कुछ हो गया, वो मर चुकी है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है गायत्री के साथ, घबराओ मत। हम ढूंढ निकालेंगे गायत्री को। फैल जाओ चारों तरफ, देखते हैं। सही है, लकड़ियां जला के बॉनफायर किया गया यहाँ पे। क्या तुमने ये बॉनफायर जलाया था? नहीं सर, हमने नहीं जलाया। मतलब तुम्हारे अलावा कोई और भी था यहाँ पे? लेकिन सर, हमने तो और किसी को नहीं देखा यहाँ पे। बस ये बढ़िया सर, यार लगता है यहाँ जंगल में कोई और भी आया था कैंपिंग के लिए। आटा है सर, अभी तक गर्म है। आटा भी है, रस्सी भी है, बॉनफायर भी है। मतलब रात को कोई तो यहाँ पर था जंगल में। सर, पास ही में एक गांव है, शायद गांव वाले ने किसी को देखा। हाँ, हो सकता है। एक काम करो, तुम तीनों जाके इस गांव में पूछताछ करो अच्छी तरह से। सर, गांव वाले तुम्हारी तो लाठियां लेके चले आ रहे हैं। कुछ गड़बड़ तो है। कोई नहीं, चल के देखते हैं। नमस्ते। नमस्ते, हम CID से। CID? मतलब पुलिस? हाँ, हम आपसे कुछ पूछताछ करने हैं। इस लड़की की फोटो देखिए, इसे आपने कहीं देखा है? देखिए। इससे पहले तो नहीं देखा। ये भी गायब हुई है क्या जंगल से? ये भी माने? कोई और भी गायब हुआ? हाँ साहब, हमारे गांव की एक लड़की है गौरी,
16-17 साल की, पता नहीं कहाँ चली गई है। गौरी की कोई फोटो वगैरह है आपके पास? हम उसे ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। फोटो तो नहीं है साहब, लेकिन हम आपके साथ चलेंगे गौरी को पहचानने के लिए। अच्छा, आपके गांव में अक्सर ऐसा होता है कि लोग गायब होते हैं, या ये पहली बार हुआ है? गायब तो नहीं होते हैं साहब, लेकिन आत्माओं ने हमला कई बार किया है। क्या आत्माओं ने हमला किया है? हाँ साहब, बड़े बुजुर्गों ने कहा है इस जंगल में आत्माओं का वास है, और रात में जो जंगल में जाता है उसके साथ बहुत बुरा होता है। देखिए, ये सब बेकार की बात है, आपको ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अरे नहीं साहब, ऐसी घटनाएं हम लोग के साथ बहुत बार हुई है। अगर शाम को किसी को घर आने में देर हो जाती है ना, तो आत्माएं उस पर हमला कर देती हैं, और जब उसे बेचारे को सुबह होश आता है तो ना उसके पास पैसा होता है, जेवर गहना कुछ नहीं बचता। देखिए, आप गाँव वाले बहुत भोले हैं, अगर इस जंगल में आत्मा होती तो वो पैसे जेवर लेकर क्यों भागती? ये किसी आत्मा का नहीं, किसी इंसान का काम है। अच्छा, आपने कल इस जंगल में किसी अनजान आदमी को देखा था? कोई ऐसा इंसान जो आपके गांव का नाम? हाँ साहब, देखा तो था। कौन था वो आदमी? हमने तो उसका नाम नहीं पूछा, पर हुलिया याद है, कद काठी मेरे ही जैसा था। और कुछ याद है? हाँ, उसके पास एक बैग था पीछे लटकाने वाला, और काफी भारी लग रहा था। हमने पूछा उससे कि मदद कर दूं, तो बड़बड़ा के बोला नहीं। ऐसा क्या था उसके बैग में? सर, हो सकता है उस बैग में लाश हो सकता है। अच्छा, आपने उससे पूछा नहीं कि वो गांव क्यों आया था? पूछा था साहब, पर उसने बताया नहीं। अजीब आदमी था साहब, उसने इनको मंगलवार के दिन मांस खिला दिया। जबरदस्ती थोड़ी ना खिलाया था साहब, उसके पास दो चिकन रोल थे गर्मा गर्म, उसे देख के मेरे मुंह में पानी आया और मैंने वो चिकन रोल खाए। चिकन रोल गर्म था। आसपास कोई ढाबा वगैरह है? हाँ साहब, आगे जाके सड़क पे एक ढाबा है। शुक्रिया, चल के उस ढाबे वाले से मिलते हैं, वही बताएगा उस आदमी के बारे में। सीआईडी, कल शाम तुम्हारे यहाँ कोई आदमी आया था, कद करीब 5 फुट 7 इंच, उसने शायद तुम्हारे ढाबे से 2 चिकन रोल पैक कराए थे। जी साहब, याद आया, आया था। उसने कोई गड़बड़ की क्या? क्या बात है, बहुत अच्छी तरह याद है तुम्हें। क्यों नहीं साहब, वो आदमी अपनी मोटरसाइकिल 24 घंटे के लिए हमारी दुकान के सामने खड़ी करके चला गया। उसने 24 घंटे तक अपनी बाइक तुम्हारी दुकान पे लगाए रखी? साहब, जब वो शाम को आया तो मैंने उसको बहुत खड़ी घोड़ी सुनाई। बाइक का नंबर याद है तुम्हें? जी मैम याद है, मैंने उसका नंबर लिखा था। एक सेकेंड। XOB1140। कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? मंगलवार की रात आप बूंदी घाट के जंगल गए थे? हाँ मैं गया था, पर आप लोग ये सब क्यों पूछ रहे हैं? फिर तो आप इस लड़की को पहचानते होंगे? जी नहीं, कौन है ये? मैं नहीं जानता। इसका नाम गायत्री है, ये भी उसी रात उस जंगल में गए थे। ठीक है सर, जंगल में बहुत सारे लोग जाते हैं, पर ये जरूरी तो नहीं कि वो एक दूसरे को जानते हो। ये भी सही है, लेकिन जंगल में जाने वाला हर आदमी गायब नहीं हो जाता। क्या ये लड़की गायब हो गई? जी। तब तो जरूरी है उन्हीं आत्माओं का काम होगा जो बूंदी घाट के जंगलों में रहती हैं। बकवास बंद करो, तुम जैसे लोग ऐसी अफवाहें फैलाते हैं और भोले भाले गांव वालों को बेवकूफ बनाते हैं। नहीं सर, ये अफवाह नहीं है, मैं खुद एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ। मैं वहाँ अपना कैमरा लेकर आत्माओं को कैद करने गया था, और मैंने अपने कैमरे के फुटेज में साफ साफ देखा है, उसमें आत्मा दिखाई भी दे रही है और सुनाई भी दे रही है। अच्छा, चलो हम भी देखें आत्माएं दिखती कैसी हैं। वो फुटेज दिखा। ये देखिए सर, सर ये देखिए, ये आत्मा सर। ये कोई आत्मा वात्मा नहीं है, कोई इंसान है जो बड़ा सा रोप पहन के घूम रहा है जंगल में।
सर, ये आवाज़ सुनी आपने? ये आवाज़ सुनकर आपको ऐसा नहीं लगता कि बूंदी घाट के जंगलों में कोई दूसरी दुनिया भी हो सकती है? रात के वक्त जंगल में ऐसे पशु पक्षियों की आवाजें आती रहती हैं। देखो, आत्माओं की कहानी सुना के तुम बच नहीं सकते हो। अब सच सच बता दो, कहाँ छुपा के रखा है तुमने गौरी और गायत्री को? सर, कौन गौरी कौन गायत्री मैं नहीं जानता सर, मैं तो वहां सिर्फ डॉक्यूमेंट्री बनाने गया था। अच्छा, तो उस भारी बैग में ऐसा क्या था जो तुम छुपा रहे थे? कौन सा भारी बैग सर? वही बैग जो तुमने गांव वालों को छूने तक नहीं दिया। अच्छा, वो बैग? देखिए सर, उस बैग में मेरा कीमती सामान था, मेरे कैमरे के लेंसेज थे, टूट ना जाए इस डर से वो बैग मैं खुद उठा रहा था, बस। तुमने किसी और को देखा था जंगल? नहीं सर, मैंने और किसी को नहीं देखा। किसी लड़की की चीखने की आवाज सुनी थी? लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज? हाँ सर, तकरीबन रात के 1:30 बजे एक लड़की के चीखने की आवाज सुनी थी मैंने, पर मैंने सोचा कि शायद वो आत्मा होगी। कोई आत्मा नहीं थी, ये चीख गायत्री की है। हमें कुछ भी करके जल्द से जल्द गायत्री तक पहुंचना होगा। अभिजीत, कमाल है यार, मतलब आज के युग में भी लोग आत्माओं पे विश्वास करते हैं। अपना फ्रेडी, फ्रेडी के लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है, आत्माएं उसके नाम से कांपती है। इसीलिए तो उसे लाए नहीं यहाँ पे। आज ये गौरी और गायत्री को पकड़ने वाली आत्मा से मिल ही लेते हैं। श्रेया, इस जंगल में क्या आत्माएं हैं? गज, तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो, बातें भी सीआईडी ऑफिसर वाली को। पर एसीपी साहब ने तुम्हें कितनी बार समझाया कि आत्मा आत्मा जैसा कुछ नहीं होता? अरे समझाया है, मगर मैं एक कान से उनकी डांट सुनता हूँ और दूसरे कान में फ्रेडी सर की डरावनी कविताएं सुनता हूँ। मैं फंस गया हूँ श्रेया। निखिल, श्रेया और पंकज को भी सिग्नल दे दो, अलर्ट रहे। ऐसा नहीं सिग्नल भेजा कि लोग अलर्ट रहे, मैं भी उनको सिग्नल भेजता हूँ कि लोग अलर्ट रहे। ये है वो आत्मा, चलो इसके दर्शन कर लेते हैं। निखिल, तुम्हारी फेवरेट पिक्चर कौन सी है? अमावस की रात। अरे यार, इधर मुझे डर लग रहा है, मैं अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ और पिक्चर का नाम लिया अमावस की रात। डर गए क्या? बातें क्यों बंद कर दी? पंकज, निखिल, पंकज, अरे बहुत तेज भागते हो साहब, छोड़ रहा मत इसे, इस आत्मा ने पूरे गांव वालों को परेशान कर रखा था साहब। ये आत्मा है? अरे ऐसी होती है आत्मा? सीआईडी? हाँ बेटा, सीआईडी। अब ये बता कि आदमी से आत्मा बनने का नाटक क्यों किया तूने? साहब, ये नाटक मैं रुपए पैसे के लिए करता हूँ साहब। बोले वाले लोगों को डरा के ठगते हो? हाँ, गौरी और गायत्री कहाँ है बता? मुझे नहीं पता साहब, ये नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ये देखा इनको पहले कभी? नहीं साहब, मैंने इसको पहले कभी नहीं देखा। देख, मेरा दिमाग बहुत गर्म है, इससे पहले कि तेरे ये गाल गर्म कर दूं, बता दे, बता। साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात का यकीन कीजिए। साहब। श्रेया? साहब। सर, वो पंकज और निखिल को ले गए। कौन? कौन ले गया? पता नहीं सर, मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन इतना अंधेरा था, मुझे कुछ दिखा ही नहीं। देख, तेरे गैंग के बाकी के लोग कहाँ हैं? हाँ, किडनैप करके लोगों को तुम लोग कहाँ पे छुपाते हो? पता? बोल।
सर मेरा कोई गैंग नहीं है, ये जरूर उन लोगों का होगा। किन लोगों का? मैंने कुछ दिन पहले इस जंगल में कुछ गुंडों को देखा था, उनके पास में बंदूकें भी हैं। मतलब तुम्हारे अलावा इस जंगल में और भी मुजरिम है? कहाँ देखा था उन्हें? पता नहीं साहब, यहीं कहीं देखा था मैंने इसी जंगल में। खैर उनको तो हम लोग ढूंढ लेंगे, तुम चलो हवालात की हवा खाओ। चलो चल। सर हम ठीक इसी रास्ते पे चल रहे थे, मैं आगे चल रही थी और पंकज और निखिल बातें करते हुए मेरे पीछे चल रहे थे। अचानक दोनों की बातें बंद हो गई। मैंने मुड़कर देखा तो दोनों के पैर मुझे वहाँ झाड़ियों में दिखाई दिए, जैसे दोनों को कोई घसीट कर ले जा रहा। मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की सर, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा। रखवाली करेंगे हम लोग इनकी? मैं तो कहता हूँ निपटा देते हैं इन दोनों को। ऐसे कैसे उड़ा दे? बॉस का ऑर्डर मिले तब ना। झोपड़ी कहीं उन लोगों की तो नहीं जिसके बारे में वो आत्मा बन के जो घूम रहा था उसने बताया था, गुंडे लोग? हाँ जी, हो सकता है। कहीं निकल पंकज को यहीं पे तो ना रखा। कुछ तो करना पड़ेगा यार, परेशान हो गए। आवाजें भी आ रही है। हाँ यार, बैठे बैठे थक गए अभी। आवाज ए, कुछ गड़बड़ तो नहीं? ए, तुम लोग तीनों बाहर जाके देखो, कोई जंगली जानवर तो नहीं है? चलो आ जाओ। जाओ से कब वार किया और हम लोग कब बेहोश हुए कुछ पता नहीं चला सर। कोई बात नहीं, कौन था वो? चेहरा याद है उसका? हाँ सर। गुड, उसका स्केच बनवा। देखा तो सही कौन जिसने सीआईडी ऑफिसर पे हाथ उठाने की हिम्मत की है। और यहाँ जो भी सामान मिलता है सब उठा लो। उसका माथा थोड़ा चौड़ा था, बाल पीछे की तरफ, उसकी मूछें भी थी, घनी मूछें। सर ये सारा सामान तो गायत्री का ही लगता है। और सर ये सब शायद गौरी का होगा, वही लड़की जो गांव से गायब हुई थी। नहीं, बैग, इतना सारा सामान और न जाने कितने लोगों को गायब भी किया है, मकसद क्या है इन सब के पीछे? अब मकसद तो लूटपाट करने का ही होगा सर। नहीं फ्रेडी, सिर्फ लूटपाट नहीं, कुछ और भी चक्कर है, कुछ और भी चक्कर है। सर इसके चुनिए सर। गुड, देखो जरा हमारे रिकॉर्ड में कुछ मिलता है क्या। सर मैच मिल गया। जग्गा,
कॉन्ट्रैक्ट किलर अब तक 15 खून कर चुका है। सर ये लूटपाट का मामला तो बिल्कुल नहीं है, जग्गा जैसा खतरनाक मुजरिम शामिल है, इसमें कुछ और ही प्लान है इनका। बिल्कुल, अगर ये केस सिर्फ चोरी चकारी का है तो दो दो सीआईडी ऑफिसर्स को बंधक बनाने की हिम्मत नहीं करते। मगर सर इस जग्गा को हम ढूंढेंगे कैसे? फ्रेडी, जग्गा को हम ढूंढेंगे भी और पकड़ेंगे भी। वो नक्शा लेकर आओ जो हमें जंगल में से मिला था इनके अड्डे पर से। ये देखो, ग्रीन नेस्ट एंटरप्राइजेस। सर जग्गा का अगला शिकार कहीं यहीं तो नहीं, ग्रीन नेस्ट एंटरप्राइजेस में? हाँ अभिजीत, ग्रीन नेस्ट एंटरप्राइजेस। सर यही वो ऑफिस है जो नक्शे में बना हुआ था, किसी वेद नाम के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का है सर। तो दया, ये वेद ही जग्गा का अगला शिकार है। पता नहीं सर, अंदर से दो गोलियां चली है और दरवाजा भी अंदर से लॉक है सर। कौन है अंदर? हमारे बॉस मिस्टर वेद और उनके दोस्त रणवीर जय और साथ कोई तीसरा आदमी था जो पैसे को लिए झगड़ रहा था। चलो इधर आओ। सर ये तो जग्गा है, सीने पे गोली मारी है सर सीधे। सर यही वो तीसरा आदमी जो पैसों के लिए चिल्ला रहा था। तो फिर वेद कहाँ है? ओह नो, इसे भी गोली मारी है सर। ये वेद है क्या? क्या वेद है ये? नहीं सर, ये तो रणविजय। रणविजय, इसकी हालत बहुत खराब है, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। अगर वेद यहां पर नहीं है तो फिर गोली कहीं वेद ने तो नहीं चलाई दोनों पर? गया कहां? सर ये देखिए, तो वेद तो यहां से भाग गया, तो हमारे लिए तोहफा छोड़ गया सर अपनी गन। वेद भाग गया लगता है। ये देखो दया, इस खिड़की से भागा है वेद, यहीं से भागा है वो। सर एम्बुलेंस 5 मिनट में आ रही है सर। ठीक है, क्या तुम्हें पता है किस पैसे के बारे में झगड़ा हो रहा था इन लोगों के बीच? पता नहीं सर। सर कहीं ये एक्सटॉर्शन का केस तो नहीं? हो सकता है जगह वेद को डरा धमका कर पैसे हटना चाहता हूं। हो सकता है, पहले इसे जल्दी से मार ले। चलो सर। सर सर ये वेद तो रणविजय का दोस्त है सर, तो फिर इसने रणविजय पे गोली क्यों चलाई? ये भी तो हो सकता है कि रणविजय पे गोली जग्गा ने चलाई हो और इस वेद ने किसी तरह से बचते बचते जग्गा से गन छीन ली और गोली मार दी सर। पर दया, अगर वेद ने अपने आप को बचाने के लिए गोली चलाई तो फिर वो भागा क्यों और फिर उसने हल्ला क्यों नहीं मचाया? रणविजय को हॉस्पिटल में क्यों नहीं लेकर गया वो? नहीं नहीं दया, कुछ और ही चक्कर है, कुछ और ही चक्कर है। थैंक गॉड आप लोग उन्हें सही वक्त पर यहाँ ले आए, थोड़ी देर और हो जाती है, उनका बचपना बहुत ही मुश्किल था। अभी होश में आए वो? क्या हम बात कर सकते हैं उनसे? बिल्कुल, आप मिलना चाहे तो मिल सकते हैं उनसे। थैंक यू, प्लीज। क्यों रणवीर, अब तबीयत कैसी है? हाँ अब ठीक है सर, मैंने तो सोचा था कि मेरा दी एंड हो गया, लेकिन आप लोगों ने मुझे नई जिंदगी दी। मैं आप लोगों का ये एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। इसमें एहसान कैसा, हमने तो सिर्फ हमारी ड्यूटी निभाई है। बस एक बात बताओ, सब हुआ कैसे, किसने गोली चलाई तुम पर? बोले तो वेद ने ही चलाई थी, लेकिन लेकिन इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। क्या मतलब? सर वो गोली गलती से चल गई थी उससे। गलती से? वो कैसे? मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट हूँ सर, पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करता हूँ। वेद ने मुझे अपने ऑफिस अपने
नए इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए बुलाया था। हम लोग बात कर ही रहे थे कि वहां झग्गा आ गया और वेद से पैसे मांगने लगा। अच्छा, किस बात के पैसे? मालूम नहीं सर, लेकिन झग्गा बहुत गुस्से में था। फिर क्या हुआ? फिर वेद ने उससे कहा कि जब तक उसका काम पूरा नहीं हो जाएगा वो उसे एक रुपया भी नहीं देगा। इस बात पर झग्गा आग बबूला हो गया और उसने गन निकाल ली। दोनों में हाथापाई शुरू हो गई और इसी हाथापाई में गन चल गई और गोली मुझे आकर लग गई सर। और फिर? उसके बाद मैं बेहोश हो गया सर। जब होश में आया तो डॉक्टर्स ने बताया कि आप लोगों ने मेरी जान बचाई है। आप जी। ओह, ओके, ठीक है, या। सर, वेद बूंदी घाट के जंगल के पास ही अपनी नई इंडस्ट्री डालने वाला था, पर गवर्नमेंट उसे परमिशन नहीं दे रही थी क्योंकि उससे जंगल के हरियाली को नुकसान पहुंचता। सर, मतलब ये जंगल में लोगों का गायब होना और आत्मा वाली अफवाह, ये सब वेद ने फैलाई थी ताकि उसका प्रोजेक्ट पास हो सके। हाँ सचिन, ये वेद ही कर रहा होगा, उसी ने पैसे दिए होंगे जग्गा को ये सब करने के लिए। मगर सर, उसने मुझे तो कोई जामवा फुलेरा नाम की जगह पर प्रोजेक्ट लगाने की बात कही थी। सर, ये तो बूंदी घाट से बहुत दूर है, दो प्रोजेक्ट का आपस में कोई संबंध नहीं हो सकता। वैसे रणविजय, वेद के परिवार में और कौन कौन है? उसका छोटा भाई है सर, उदय। वेद का छोटा भाई उदय? हाँ, मैं बस एयरपोर्ट पहुंच ही रहा हूँ, आधे घंटे में मिलते हैं। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है उदय जी? कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? क्या बात है सर? जरा ये फोन देखो। मगर क्यों? ये देखने के लिए कि एयरपोर्ट जाके कहीं तुम अपने भाई वेद से मिलने वाले तो नहीं हो। दिखाइए। नहीं सर, इसमें वेद का नंबर तो नहीं है। सर, मैं तो अपने बिजनेस पार्टनर सुरेश से बात कर रहा था, हम लोग चेन्नई जा रहे हैं एक बिजनेस मीटिंग के लिए। जब तक हमारे सवालों का जवाब नहीं देते तुम चेन्नई नहीं जा सकते। ठीक है सर, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? वेद कहाँ है? मुझे नहीं पता सर, लेकिन आप वेद भैया को क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आपके वेद भैया ने एक आदमी को गोली मारकर उसका खून कर दिया है और दूसरे को घायल करके फरार हो गए आपके वेद भैया। सर, ये क्या कह रहे हैं आप? वेद भैया तो दिवाली के पटाखों से भी डरते थे और आप कह रहे हैं कि उन्होंने दो दो गोलियां चलाई हैं? ये नहीं हो सकता सर। अच्छा, तो फिर तुम्हारे वेद भैया छुप क्यों रहे? वेद भैया छुप नहीं सकते सर, वो जरूर किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। उन्होंने कहा था मुझसे उनकी जान को खतरा है। किससे खतरा है, जरा हमें भी तो बताइए। सर, ये तो भैया ने नहीं बताया था, लेकिन हाँ सर, भैया ने मुझे एक बॉक्स दिया था, कहा था इसे बहुत संभाल के रखना है, भले ही कुछ भी हो जाए वो बॉक्स किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। कहाँ है वो बॉक्स, जरा दिखाइए हमें भी। सर, आज तक मैंने भी खोल के नहीं देखा कि इस बॉक्स में क्या है। फॉरेस्ट कंपनी? सर, इसमें तो रेड फॉरेस्ट कंपनी के प्लान्स और नक्शे हैं। रेड फॉरेस्ट कंपनी? उदय जी, है किसकी ये कंपनी? है पता नहीं सर, मैं तो पहली बार ही नाम सुन रहा हूँ इसका। अच्छा, दया, जरूर कोई ना कोई संबंध है इस रेड फॉरेस्ट कंपनी का वेद के गायब होने से। रेड फॉरेस्ट कंपनी? हाँ सचिन, क्या पता चला उस रेड फॉरेस्ट कंपनी के बारे में? क्या? ओके 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 ओके, ठीक है सर। उदय के घर से हमें जो फाइल और कार्ड मिला था रेड फॉरेस्ट कंपनी का, वो कंपनी नकली है। रेड फॉरेस्ट कंपनी नकली है? हाँ सर। तो फिर इस नकली कंपनी का मालिक भी नकली होगा। सर, फिर इस नकली कंपनी के नाम पे फ्रॉड कौन कर सकता है? हाँ, कौन कर सकता है फ्रॉड?
कौन कर सकता है, कौन कर सकता है, है? एक आदमी है। जब बॉस को पता चलेगा ना कि इस जंगल से पेड़ कटने वाले हैं और यहाँ एक 5-स्टार होटल बनने वाली है, फिर देखना बॉस कैसे गुस्से से तिलमिला जाएंगे। एक काम कर, बॉस को फोन मिला और उन्हें यहाँ की सारी खबर बता। हाँ बॉस, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, आ जाओ। ठीक है, पहुंचते हैं उधर, चल चलो सब लोग। तो ये लोग बॉस से मिलने जा रहे हैं, चलो हम लोग भी मिलते हैं। सर, ये दोनों अचानक मिट्टी क्यों खोदने लग गए? अच्छा अच्छा, तो ये चक्कर है क्या सर? इस केस की जड़ इस मिट्टी के नीचे दबी हुई है। सर, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस पेड़ के नीचे इनके बॉस का ठिकाना है। क्या हुआ, कुछ मदद करें आपकी? अभिजीत, तुम इन्हें संभालो, मैं इनके बॉस से मिल के आता हूं। ठीक है। की आवाज आ रही है। अमित, अमित, आप पूछो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। घबराने कुछ नहीं होगा, बाकी के लोग कहाँ हैं? कुछ लोग उधर हैं, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। चल इस तरफ देखना, संभाल के उठे। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब लोग भाग जाएंगे यहाँ से, घबराओ मत। अब एक काम कीजिए, इन सबको लेके भाग जाइए यहाँ से। बाहर तो सब जाओगे ना इंस्पेक्टर, जब यहाँ से जिंदा बचोगे मैं तुम सबकी कब्र यही बना दूंगा। रणविजय तुम? हाँ मैं। तुम सीआईडी वाले मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए ना, आना नहीं चाहिए था तुम लोगों को, अब मुझे मजबूरी में तुम सबको मारना पड़ेगा। आत्महत्या करना चाहते हो? हाँ? आज तक तो कोई पैदा नहीं हुआ जो सीआईडी को खत्म कर सके। होल्ड ऑन इंस्पेक्टर दया, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो इसके भेजे से इसकी जान निकाल दूंगा मैं। और अगर मैंने गोली चला दी तो तुम्हारी खोपड़ी का क्या होगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। क्या कह रहे थे तुम? हाँ, तुम सबकी समाधि बना दोगे यहाँ पे? सर, सर, मैं, मैं, श्रेया, ठीक है, तुम इनका ख्याल रखो। रणविजय, रणविजय रुक जाओ ना, गोली मार दूंगा। रणविजय, तुझ जैसे मुजरिमों को कब्र तक हम पहुंचाते हैं। हाँ, मैंने ही लोगों को गायब किया, मैंने ही आत्मा की झूठी खबर फैलाई थी। क्यों किया तुमने ऐसा? मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट हूं,
प्रकृति, पेड़ पौधे, झरने और नदी से प्यार है मुझे। मैं चाहता था कि कोई जंगल में ना आए, पेड़ पौधे ना काटे, जंगल को कोई नुकसान ना हो। तो फिर वेद को क्यों किडनैप किया? क्यों मारना चाहते थे उसे तुम? वेद यहाँ पास में जंगल में इंडस्ट्री लगाना चाहता था और मैं नहीं चाहता था कि वो यहाँ इंडस्ट्री लगाए, पेड़ों को काटे। बस इसीलिए उस दिन मैं उसके ऑफिस में गया। तुम यहाँ? हाँ। ये क्या बदतमीजी है रणविजय? ये मेरा ऑफिस है। बदतमीजी तो तुमने अभी तक देखी कहाँ है? देखना चाहोगे कि बदतमीजी होती क्या है? कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? ये तुम्हारे यमदूत हैं वेद। तुम लोगों को पता है ना इसके साथ क्या करना है? यस बॉस। लेके जाओ इसे। अरे कोई है? सिक्योरिटी कोई है? अब मैं जग्गा की भी थोड़ी खातिरदारी कर ही देता हूँ। वेद, आज मेरे पैसे चाहिए, आज मैं पूरा हिसाब लेकर आऊंगा। तुम? वेद कहाँ है? वेद के पास जाने का बहुत शौक है ना जग्गा तुम्हें? ठीक, मैं तुम्हें उसी के पास भेज देता हूं। अब थोड़ी बहुत एक्टिंग सीआईडी के लिए मुझे भी करनी पड़ेगी। प्रकृति से प्यार करना अच्छी बात है, प्यार अगर पागलपन बन जाए तो समाज के लिए खतरा हो जाता है। तुम्हारे जुनून ने इतने सारे मासूम लोगों को बंदी बना के रखा है, भूखे प्यासे जग्गा की जान ली तुमने, तुम्हें तो शायद फांसी ही होगी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.